हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डीएस इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ विषय संस्कृत के पेपर का सॉल्यूशन या पूरा हल। तो देखते हैं इस पेपर का। यहाँ पेपर प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का है और कक्षा 10वीं का है और विषय संस्कृत का है। इसका पूर्ण सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। इसमें समय लिखा हुआ है 3 घंटे और पूर्णांक लिखा हुआ है 80। तो पहले पेपर देखते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं या हल देखते हैं। यहाँ पर पहले में उचित विकल्प चुन करके लिखना है और यहाँ विकल्प वाला ही दे रखा है और वहीं दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है वो रिक्त स्थान का दे रखा है, यानी कि फिलिंदा ब्लैंक्स का दे रखा है, और वहीं तीसरा नंबर जोड़ी का दे रखा है युग्म मेलनम करके। और वहीं आगे बढ़ते हैं, इसमें एक वचन एक वाक्यन का उत्तर वाला आंसर दे रखा है और वहीं शुद्ध वत्रे आम शुद्ध वत्रे ना इस लिखा दी, यानी कि आम और ना लिखने के लिए इसमें दिया हुआ है। और वहीं यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं जो हम आसानी से देख सकते हैं इसमें। यहाँ पूरा पेपर क्लास टेंथ प्री बोर्ड परीक्षा का है और कक्षा 10वीं का है और जिसका पूर्ण सॉल्यूशन हम नीचे देखने वाले हैं। और इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और पूरा देखें। और जो भी विद्यार्थी क्लास टेंथ के हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिख करके सेंटर पर जमा करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों और आप आगे बढ़ें। आइए देखते हैं इसका पूर्ण सॉल्यूशन। इसमें कुल मिलाकर 23 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं हमें इस पेपर में। और आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो पहले में आ जाएगा बा वाला, और सेकंड वाले में आ जाएगा सा वाला, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा दा, चौथे पर दा, और वहीं पांचों पर बा और छठे पर आ जाएगा। वहीं आगे दूसरे क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो पहले में वृषभा आ जाएगा, दूसरे वाले में नेत्रम, और चौथे तीसरे पर कोमला, और चौथे पर आ जाएगा विपन्नम, पांचवे में आ जाएगा विदाधनम, छठे नंबर पर आ जाएगा गहन कानने। और वहीं क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ी मिलाई गई है, मम को मिलाया गया है। मम है षष्ठी विभक्ति एकवचनम, और रामेण है तृतीय विभक्ति, और लता है प्रथमा द्वितीया बहुवचनम, और कस्मात है पंचमी विभक्ति, और प्र प्लस आचार्य है प्राचार्य, और अनु प्लस प्रति है विसर्ग और अस्ति विसर्ग अस्ति। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो पहले में आ जाएगा यहाँ पर गमिष्यता, दूसरे में आ जाएगा हसंती, तीसरे में आ जाएगा पट, और चौथे में आ जाएगा अपीबथम, और पांचवें में आ जाएगा पत्र, और छठे नंबर पर आ जाएगा पचसी। वहीं क्वेश्चन क्रमांक 5 के आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो पहले में आ जाएगा आम, दूसरे में ना, फिर तीसरे में आम, चौथे में ना, और पांचवें में आम, और छठे में भी आम आ जाएगा। वहीं छठे क्रमांक का जो उत्तर है जो कि लिखना था उद्यम सम बंधु नास्ति, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। और सातवें नंबर पर आ जाएगा कृषिका क्षेत्र कृष्णम करोति स्म, और वहीं आठवें का उत्तर जो रहेगा बुद्धिमती पुत्र द्व्यपिता पितृगहिम चति चंती चलिता। वहीं क्वेश्चन क्रमांक 9 का उत्तर जो इसमें दे रखा है भू स्कंपस्य केंद्र बिंदु कुछ जनपद आसित, इस प्रकार से इसका आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 10 का आंसर दिया हुआ है और वहीं क्वेश्चन क्रमांक 11 का आंसर भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। वहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 12 के आंसर की ओर, जो कि इसमें इस प्रकार से सॉल्व किया हुआ है पहला और दूसरा। और वहीं क्वेश्चन क्रमांक 13 में भी यहाँ पर पहला और दूसरा किस प्रकार सॉल्व कर रखा है यहाँ पर दिया हुआ है। वहीं क्वेश्चन क्रमांक 14 का जो आंसर है पहला और दूसरा यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन क्रमांक 15, जो कि यहाँ पर भी पहला और दूसरा इसमें देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं क्वेश्चन क्रमांक 16 का जो तीनों आंसर दे रखे हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। आप आसानी से इस वीडियो को रोक भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट से लेकर के भी इस वीडियो में से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 17 के आंसर में। तो यहाँ पर पूरे ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों ऑप्शन के उत्तर लिख रखे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 18 की ओर। तो यहाँ पर भी ये तीनों आंसर इसमें लिखे हुए हैं। 18 का जो आंसर है तीनों आंसर इसमें लिखे हुए हैं, तीसरे में ना लिखा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन क्रमांक 19 के आंसर की ओर। तो यहाँ पर ये तीनों लिखे हुए हैं। वहीं क्वेश्चन क्रमांक 20 का जो आंसर है इस प्रकार से लिखा हुआ है इसमें,
ये दोनों ही आंसर इसमें इस प्रकार से लिखे हुए हैं, आप आसानी से लिख पाएंगे। वहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 22 की ओर, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से पूरा आंसर इसमें लिखे हुए हैं। और वहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर की ओर, तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी हुई है अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, जो कि इसका पूरा आंसर आप इस प्रकार से देख करके अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। ये इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से आप देख करके लिख सकते हैं, इसमें से ये पूरी एप्लीकेशन इसमें ये दी गई है, इसमें नाम भी दिया हुआ है, आप अपना नाम लिखेंगे इसमें, इस भैया का नाम नहीं लिखेंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती ना हो। वहीं आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है क्वेश्चन क्रमांक 23 का आंसर, छात्र जीवन, यहाँ निबंध है छात्र जीवन जीवन पर या छात्र जीवनम पर, तो इसका पूरा ऐसे यह निबंध इसको इस प्रकार से दिया हुआ है। होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने सहपाठियों के पास भी या मित्रों के पास भी इसको भेजेंगे ताकि उनको भी मदद मिल पाए, और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले और भी वीडियोस का आपको लाभ प्राप्त हो सके, और अपने मित्रों के पास अवश्य भेजें और लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।